नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर केतन रानपरिया, मैं एक एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट हूं और आज हम एचआईवी के इलाज में एक बड़ी खोज के बारे में बात करेंगे जो है इंजेक्शन, जो लंबे समय तक असर करते हैं। हम बात करेंगे केबेनुवा, एप्रिट्यूड, सनलेनका और लेनेकापावीर के पर्पस वन रिसर्च के बारे में। ये सभी इंजेक्शन एचआईवी वन वायरस के इलाज में महत्वपूर्ण है। ये इंजेक्शन एचआईवी के साथ जी रहे लोगों के लिए नई उम्मीदें लेकर आए हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये इंजेक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं और कितनी बार लगते हैं। क्या ये इंजेक्शन एचआईवी पॉजिटिव लोगों के इलाज के लिए है? क्या ये इंजेक्शन एचआईवी निगेटिव लोगों को एचआईवी से बचा सकते हैं? क्या ये इंजेक्शन एचआईवी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं या क्या ये एचआईवी की वैक्सीन है? क्या ये इंजेक्शन भारत में उपलब्ध है? अगर है तो इनकी कीमत क्या है? अगर आप एचआईवी के साथ जी रहे हैं या किसी को जानते हैं जो इससे जूझ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक असर करने वाले ये इंजेक्शन एचआईवी के इलाज के तरीके को बदल सकते हैं, जिससे मरीजों को ज्यादा सुविधा और संभवतः बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जरूरी शब्द समझें। इलाज: एचआईवी पॉजिटिव लोगों में वायरस को कंट्रोल करना, बचाव या प्रोफिलैक्सिस: एचआईवी निगेटिव लोगों को एचआईवी से बचाना, क्योर: शरीर से वायरस को पूरी तरह खत्म करना, वैक्सीन: एचआईवी के संक्रमण से बचाव करना। केबेनुवा ब्रांड नेम: केबेनुवा। केबेनुवा इंजेक्शन क्या है? केबेनुवा इंजेक्शन कैबोटाग्राविर और रिल्पीविरिन दो दवाओं का मिश्रण है। केबेनुवा इंजेक्शन किसके लिए है? केबेनुवा इंजेक्शन एचआईवी पॉजिटिव लोग जिनका वायरल लोड कम है और जिनका इलाज पहले से चल रहा है, उन लोगों के लिए है। केबेनुवा इंजेक्शन किसके लिए नहीं है? केबेनुवा इंजेक्शन एचआईवी निगेटिव लोग या एचआईवी पॉजिटिव लोग जिनका वायरल लोड कंट्रोल में नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है। केबेनुवा इंजेक्शन कितनी बार लगता है? केबेनुवा इंजेक्शन हर दो महीने में एक बार लगता है। केबेनुवा इंजेक्शन के साथ एचआईवी की दूसरी कोई गोली लेनी चाहिए? नहीं, ये अपने आप में पूरा इलाज है, दूसरी दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में केबेनुवा इंजेक्शन की कीमत लगभग 3 लाख से 3.5 लाख प्रति महीना है। भारत में उपलब्धता: केबेनुवा इंजेक्शन अभी भारत में उपलब्ध नहीं। भारत में इस इंजेक्शन को बेचने वाली वेबसाइट का भरोसा ना करें। ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचें। एप्रिट्यूड ब्रांड नेम: एप्रिट्यूड। एप्रिट्यूड इंजेक्शन क्या है? एप्रिट्यूड इंजेक्शन में कैबोटाग्रावर नामक दवाई दी जाती है। एप्रिट्यूड इंजेक्शन किसके लिए है? एप्रिट्यूड इंजेक्शन एचआईवी निगेटिव लोग है जिनको एचआईवी होने का खतरा ज्यादा है, जैसे सेक्स वर्कर, इंजेक्शन से नशा करने वाले लोगों या गुदा मैथुन करने वाले लोगों के लिए है। एप्रिट्यूड इंजेक्शन किसके लिए नहीं है? एप्रिट्यूड इंजेक्शन एचआईवी पॉजिटिव लोग के लिए, यानी कि जिनको पहले ही एचआईवी हो चुका है, उन लोगों के लिए नहीं है। एप्रिट्यूड इंजेक्शन कितनी बार लगता है? पहले दो इंजेक्शन एक महीने के अंतराल पर और फिर हर दो महीने में एक एप्रिट्यूड इंजेक्शन लगता है। एप्रिट्यूड इंजेक्शन के साथ एचआईवी की दूसरी कोई गोली लेनी चाहिए? नहीं, सिर्फ यह इंजेक्शन ही पर्याप्त है, इसके साथ दूसरी दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में एप्रिट्यूड इंजेक्शन की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। भारत में उपलब्धता: एप्रिट्यूड इंजेक्शन अभी भारत में उपलब्ध नहीं। भारतीय दवा कंपनियां जैसे सिप्ला, मायलान और औरबिंदो को भारत में कैबोटाग्रावर इंजेक्शन बनाने की मंजूरी मिल गई है। ये दवा अगले 2 से 4 सालों में भारतीय बाजार में उचित कीमत पर उपलब्ध होने की उम्मीद है। कैबोटाग्रावर की उपलब्धता से भारत में एचआईवी होने के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए रोकथाम के विकल्प बेहतर होंगे। अभी भारत में इस इंजेक्शन को बेचने वाली वेबसाइट का भरोसा ना करें। ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचें। सनलेनका ब्रांड नेम: सनलेनका। सनलेनका इंजेक्शन क्या है? सनलेनका इंजेक्शन में लेनेकापावीर नामक दवाई दी जाती है। यह एक नई तरह की एचआईवी दवाई है। सनलेनका इंजेक्शन किसके लिए है? सनलेनका इंजेक्शन उन एचआईवी पॉजिटिव वयस्कों के इलाज के लिए है जिनके पास दूसरे इलाज के विकल्प सीमित है, क्योंकि उनके एचआईवी के वायरस पर दवाओं का असर कम हो गया है।
सनलेनका इंजेक्शन किसके लिए नहीं है? सनलेनका इंजेक्शन एचआईवी से बचाव के लिए नहीं है और न ही इसे अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। सनलेनका दूसरी एचआईवी दवाओं के साथ लेना जरूरी है। सनलेनका इंजेक्शन कितनी बार और कैसे लेना है? सनलेनका इंजेक्शन हर 6 महीने में एक बार लेना होता है। सनलेनका इंजेक्शन के साथ एचआईवी की दूसरी कोई गोली लेनी चाहिए? सनलेनका इंजेक्शन के साथ दूसरी एचआईवी की गोली को लेना जरूरी है। अमेरिका में सनलेनका इंजेक्शन की कीमत बीमा और मेडिकल स्टोर के हिसाब से अलग अलग होती है। बिना बीमा के करीब $42,000 यानी कि लगभग ₹35 लाख प्रति साल है। भारत में उपलब्धता। सनलेनका इंजेक्शन अभी भारत में उपलब्ध नहीं। भारत में इस इंजेक्शन को बेचने वाली वेबसाइट का भरोसा ना करें। ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचें। सनलेनका इंजेक्शन भारत में कब आएगा? अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं है, लेकिन भविष्य में आ सकता है। लेनेकापावीर एक लंबे समय तक असर करने वाली इंजेक्शन दवाई है, जिसे पर्पस वन नाम के एक क्लिनिकल ट्रायल में एचआईवी से बचाव के लिए महिलाओं और किशोरियों पर प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के तौर पर परखा गया है। इस अध्ययन में ये इंजेक्शन महिलाओं में एचआईवी के फैलाव को रोकने में 100% प्रभावी साबित हुआ है। लेनेकापावीर इंजेक्शन को अमेरिका में उन वयस्कों के एचआईवी इलाज के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है जिन पर दूसरी दवाओं का असर नहीं होता। एचआईवी से बचाव के लिए पर्पस वन रिसर्च तीसरे फेज का था, जो दवा को मंजूरी के लिए अप्लाई करने से पहले आखिरी फेज होता है। आगे क्या होगा? लेनेकापावीर बनाने वाली कंपनी गिलियाड साइंसेस इस अध्ययन के नतीजों को अमेरिका की एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी नियामक एजेंसियों को भेजेगी ताकि इसे महिलाओं में प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल की मंजूरी मिल सके। लेनेकापावीर इंजेक्शन एचआईवी को रोकने के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के तौर पर कब बाजार में आएगा? अभी ये कहना मुश्किल है कि लेनेकापावीर इंजेक्शन एचआईवी को रोकने के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए कब उपलब्ध होगा, क्योंकि ये नियामक एजेंसियों की समीक्षा पर निर्भर करता है। हो सकता है कि अगले 1-2 साल में अमेरिका में इसकी मंजूरी मिल जाए, लेकिन भारत समेत दूसरे देशों के लिए समय सीमा अभी अनिश्चित है। लेनेकापावीर इंजेक्शन किसके लिए है? कई दवाओं का असर न होने वाले वयस्कों में एचआईवी के इलाज के तौर पर यह इंजेक्शन दूसरी दवाओं के साथ दिया जाता है। भविष्य में इसे महिलाओं या किशोरियों में प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। लेनेकापावीर इंजेक्शन किसके लिए नहीं है? लेनेकापावीर इंजेक्शन अभी सभी एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए इस्तेमाल की मंजूरी नहीं है। लेनेकापावीर इंजेक्शन एचआईवी को मिटाता नहीं है। लेनेकापावीर इंजेक्शन कॉन्डोम जैसे दूसरे बचाव के तरीकों का विकल्प नहीं है। लेनेकापावीर इंजेक्शन को कितनी बार और कैसे लेना है? लेनेकापावीर इंजेक्शन को हर 6 महीने में एक बार लेना होता है। लेनेकापावीर इंजेक्शन के साथ एचआईवी की दूसरी कोई गोली लेनी चाहिए? इलाज के लिए लेनेकापावीर इंजेक्शन को एचआईवी की दूसरी दवाओं के साथ लिया जाता है, लेकिन बचाव के लिए अगर मंजूरी मिलती है तो इसे अकेले इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका में लेनेकापावीर इंजेक्शन की कीमत बीमा और मेडिकल स्टोर के हिसाब से अलग अलग होती है। बिना बीमा के ये बहुत महंगी हो सकती है। भारत में उपलब्धता। लेनेकापावीर इंजेक्शन अभी भारत में उपलब्ध नहीं। भारत में इस इंजेक्शन को बेचने वाली वेबसाइट का भरोसा ना करें। ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचें। भारत में लेनेकापावीर इंजेक्शन कब आएगा? भारत में लेनेकापावीर इंजेक्शन कब आएगा इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। ये भारत में रेगुलेटरी मंजूरी और कीमत तय होने पर निर्भर करता है। आज हमने एचआईवी के लिए नई इंजेक्शन दवाओं के बारे में बात की, जिसमें केबेनुवा, एप्रेट्यूड, सनलेनका और लेनेकापावीर शामिल है। ये इंजेक्शन एचआईवी के इलाज और बचाव में एक नई दिशा दिखा रहे हैं। हालांकि ये एचआईवी को पूरे तरीके से मिटा नहीं सकते, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जो एचआईवी से जूझ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, एचआईवी इंजेक्शन नई संभावनाएं लेकर आए हैं, लेकिन जानकारी रखना और एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से विकल्पों पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछें। मैं उनका जवाब देने और ज्यादा जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा।
और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एचआईवी देखभाल के बारे में नए अपडेट मिलते रहें, और इस जानकारी को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूँ। ये चैनल एचआईवी के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है, लेकिन याद रखिए समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहाँ पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मिशन है एचआईवी पॉजिटिव को स्वस्थ और संपूर्ण जीवन देना, और हमारा विजन है श्रेष्ठ इलाज के साथ एचआईवी के बारे में पर्याप्त समझ देना। याद रखें, आज के समय में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको एचआईवी फ्री नहीं कर सकता, आपका एचआईवी नहीं मिटा सकता। ऑनलाइन, इन क्लिनिक, न्यूज़पेपर या तो किसी भी माध्यम से एचआईवी की कोई ऐसी जाहिरात या तो एडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका एचआईवी मिटा देंगे, तो याद रखिए वह एक झूठ है, फ्रॉड है या धोखा है। आज के समय में वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपैथी या कोई भी साइंस, किसी भी तरह से एचआईवी नहीं मिटा सकता। इसलिए एचआईवी मिटाने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य, समय और संपत्ति तीनों का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए एचआईवी को मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्कैम के शिकार न बने। एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से एचआईवी ट्रीटमेंट, एचआईवी काउंसलिंग, लैबोरेटरी टेस्ट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या एचआईवी के इलाज के लिए ऑनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। एचआईवी के ट्रीटमेंट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, और एचआईवी की दवाई के बारे में और अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।